आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी। यूपी पुलिस के 8 जवानों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास को लेकर कानपुर आ रही थी। पुलिस के मुताबिक बर्रा के पास अचानक रास्ते में गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 4 सिपाही घायल हो गए। इसके बाद विकास पुलिस के चंगुल से बचकर भागने के फिराक में था। उसने मौका पाकर एसटीएफ के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जानते हैं इसका इतिहास, कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया। विकास दुबे खुद को सिर्फ गुनाहों की दुनिया तक सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि सियासी गलियारों में भी दखल रखता था। वह अपना राजनीतिक गुरु पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रीवास्तव को मानता था। दरअसल विकास दुबे 25 साल से प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ रहा है। विकास दुबे 15 साल तक बसपा के साथ रहा, तो 5 साल बीजेपी में और 5 साल सपा में रहा। पंचायत चुनाव के दौरान उसे बसपा से समर्थन मिला था, जबकि उसकी पत्नी को चुनाव में सपा का समर्थन हासिल रहा था। शायद इसलिए कोई भी दल विकास दुबे के खिलाफ खुलकर बोलने में संकोच कर रहा है। विकास दुबे कहता था कि मैं अपराधी नहीं हूं, मेरी जंग राजनीतिक वर्चस्व की जंग है और ये मरते दम तक जारी रहेगी। शायद इसलिए ही कोई भी दल कुछ बोलने से बच रहा है। सन 2000 में राजनाथ सिंह यूपी के सीएम बने तो उन्होंने संतोष शुक्ला को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया, लेकिन सियासी रंजिश में 11 नवंबर 2001 को कानपुर के थाना शिवली के अंदर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। संतोष शुक्ला की हत्या में विकास दुबे का नाम आया था, लेकिन कोर्ट से बरी हो गया था। दरअसल अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद विकास दुबे की दहशत का आलम यह था कि किसी भी चुनाव में वह जिस पार्टी या उम्मीदवार को समर्थन देता था, पूरे गाँव वाले उसे ही वोट देते थे। यही एक बड़ी वजह रही कि चुनाव के वक्त इन गाँव में वोट पाने के लिए सपा बसपा और भाजपा के कुछ नेता उनके संपर्क में रहते थे। यह उसकी दहशत का ही नतीजा था कि विकास दुबे 15 सालों से जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा बनाए हुआ था। विकास दुबे उर्फ पंडित जी, जो कक्षा 8 तक पढ़ा था, 17 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में उतर गया था। उसने पहला मर्डर अपने ही गांव के सोनेलाल को गोली मारकर किया था। बाद के दिनों में विकास ने जमीन के लिए अपने ही गुरु को मौत के घाट उतार दिया था। साल 2000 तारीख 11 नवंबर को विकास ने अपने गुरु सिद्धेश्वर पांडे को सीने पर कई गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। देखिए इस रिपोर्ट में। सिवली के ताराचंद इंटर कॉलेज के बगल में खाली पड़ा प्लॉट स्कूल मास्टर की हत्या का कारण बना। विकास हर किसी को खरीद सकने की क्षमता रखता है। विकास का छोटा भाई जब तब सिवली में बनी दुकानों से किराया वसूलने आता था। इसके अलावा ताराचंद इंटर कॉलेज की खाली जमीन पर अभी भी विकास के गुर्गों का कब्जा है। यहाँ के दुकानदार विकास के गुर्गों को खुद जाकर हफ्ता देते हैं। कोर्ट के सामने सस्ती थी विकास की कचहरी। जी हाँ, 2001 में संतोष शुक्ला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास 5 साल तक कानपुर देहात की कोर्ट में पेशी के लिए आता जाता रहा। कोर्ट परिसर के बाहर ही उसकी खुद की कचहरी सजा करती थी। किसी मिनिस्टर से मुलाकात करने जैसी लाइन लगती थी। उसके रुतबे को देखकर पुलिस भी उससे अपराधी जैसा व्यवहार करने से घबराती थी। कहा जाता है कि गाँव के हर 5 की भीड़ में 2 आदमी विकास के होते थे, जो उसके लिए जान देते और ले सकते थे। विकास पर 71 मुकदमे हैं। कुल मिलाकर विकास की दहशत अधिक है और पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं। यदि उसके अपराध इतिहास पर नजर डाली जाए तो उसने हर अपराध करने के बाद सबसे पहला काम सबूत मिटाने का किया है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे शुक्रवार सुबह पुलिस से एनकाउंटर में मारा गया।
लेकिन इस नाटकीय एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। लेकिन कई सवाल अभी जिंदा हैं। विकास दुबे की तलाश में दिन रात जुटी पुलिस का हाथ तो दुबे के गिरेबान तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ बहुत अहम सवाल हैं जिनके जवाब यूपी पुलिस के लिए ढूंढने बहुत अहम होंगे। मुठभेड़ के बाद से अब तक हर बार विकास दुबे पुलिस को चकमा देता आया था। बहरहाल अब मोस्ट वांटेड विकास दुबे और इसके कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राज हैं जो विकास दुबे से पुलिस की पूछताछ में सामने आ सकते थे, वह अब भी राज ही बनकर रह गए हैं। पुलिस की छापेमारी से पहले विकास दुबे को किसने दी थी जानकारी? वारदात को अंजाम देने के बाद कानपुर से कैसे रफूचक्कर हुआ विकास दुबे? फरीदाबाद में पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसे कैसे मिली जानकारी और वह कैसे वहां से निकल गया? कानपुर से फरीदाबाद और वहां से उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे? कौन कर रहा था मदद? अपने साथियों के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था विकास दुबे। उज्जैन में क्यों दी गिरफ्तारी? जानबूझकर पुलिस को दी गिरफ्तारी? एक हफ्ते से कहां छिपा था विकास दुबे? जिस कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस की सैकड़ों टीमें खाक छान रही थी, वह कैसे 8 पुलिस कर्मियों की हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकलने में कामयाब हो गया? क्या विकास दुबे को पुलिस कर्मियों की हत्याकांड के बाद भी राजनीतिक संरक्षण मिल रही थी? क्या अब भी यूपी पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी विकास दुबे को पहले से मिल रही थी? कई जघन्य अपराधों में आरोपी विकास दुबे किनकी मदद से करीब 30 साल तक बेखौफ होकर अपनी सत्ता चलाता रहा? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मोस्ट वांटेड विकास दुबे के कफन में जाने के साथ दफन हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, अपराधी विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में अपनी गिरफ्तारी के बाद खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, वह आखिर भागने की कोशिश क्यों करेगा? दूसरा, पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद विकास दुबे ने ऐसे वक्त भागने की कोशिश की जब वह अकेला था और हथियारबंद एसटीएफ के जवान बड़ी संख्या में थे, तो क्या सातिर विकास दुबे ऐसी गलती कर सकता था? यह भी सवालों के घेरे में है। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से संपर्क था जो अब उजागर नहीं हो पाएगा? पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों? यह पता लगाना आवश्यक है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को सरेंडर के लिए क्यों चुना? मध्य प्रदेश के कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने आया था? क्या राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई? बहरहाल अब मोस्ट वांटेड विकास दुबे उसके कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राज हैं जो विकास दुबे से पुलिस की पूछताछ में सामने आ सकते थे, लेकिन अब वह राज ही बनकर रह गए हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं BHBC News।